देश में चल रहे कोरोना के कहर के लिए जो कोरोना फाइटर्स लगे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पुलिस प्रशासन हैं, पुलिस मित्र हैं, सफाई कर्मचारी हैं, फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, पत्रकार वगैरह हैं, उनको हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। तो होम्योपैथी के अंदर आप उनको क्या दवाई दे रहे हैं और क्या आगे आप उनको गाइडलाइन करेंगे? जैसा कि आपको विदित है, अभी COVID-19 एक महामारी घोषित हो चुकी है और उससे बचाव के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार की तरफ से होम्योपैथी प्रशासन को ये गाइडलाइंस जारी हुई है कि जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, जो COVID-19 ड्यूटी में कार्यरत हैं, वो अपेक्षाकृत आम जनता के उनको संक्रमण होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं कि जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और प्रोफाइलेक्टिक तौर पर होम्योपैथी दवा का वितरण किया जाए, जिसकी तैयारी हमने विगत 2 दिन से शुरू कर दी है और हमने पुलिस प्रशासन से भी संपर्क किया है, चिकित्सा विभाग से भी संपर्क किया है, आयुर्वेद विभाग से, CDPO विभाग से और नगर परिषद विभाग से संपर्क करके हमने कोविड वॉरियर्स की लिस्ट ले ली है, उनकी कार्मिकों की संख्या ले ली है और उसी के अनुरूप हम होम्योपैथी मेडिसिन का किट तैयार कर रहे हैं और लगातार 3 दिनों से बांट भी रहे हैं। आशा करते हैं कि इस दवा के उपयोग से संक्रमण होने की जो संभावना है वो कम रहेगी और लगातार हम लोग प्रशासन से संपर्क में हैं और जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दवा के किट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दवा से उनको अपनी सेवाएं देने में आसानी रहेगी, अपने मनोबल मजबूत होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इससे इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा। अगर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो होम्योपैथी मेडिसिन में इतनी शक्ति होती है कि वो संक्रमण से बचाव करने में मदद करती है शरीर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र रावत, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय ब्यावर में मैं पदस्थापित हूँ। मेरे साथ में मेरे सीनियर डॉक्टर विनय जैन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी पदस्थापित हैं, साथ में ही मेल नर्स सेकंड श्री रामराज जी मीणा अथक प्रयासों से कोविड वॉरियर्स को दवा पहुंचाने में हमारी मदद कर रही है। हमने विभिन्न विभागों से, जैसे CDPO विभाग, PMO विभाग, पुलिस विभाग आदि से हम निरंतर संपर्क में हैं और उनसे हम कोविड फाइटर्स के जो संख्या है अनुमानित वो ले रहे हैं और उसी अनुरूप हम पूर्ण रूप से दवाई बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। जैसे उदाहरण तरह CDPO से लगभग 300 किट हमें तैयार करने हैं, PMO विभाग से हमें 300 लोगों की सूची मिली है, पुलिस विभाग में जो लगे हुए हैं पुलिस सब सहकर्मी उनको जो योगदान दे रहे हैं उनका साथ, उन सबको मिला के 250 से 300 है। कुल मिला के हमारा लक्ष्य ये है कि एक भी कोविड फाइटर जो ब्यावर में अपनी सेवाएं दे रहा है हम उनको अपनी दवाई पहुंचाएं। कुछ बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए आप कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं? बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि वह बिल्कुल ही घर में रहें, बाहर न निकले, जितना अंदर रहेंगे उतना ही बचाव रहेगा। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, भोजन आराम से पूरा प्रचुर मात्रा में करें और किसी प्रकार की चिंता न करें। गर्भवती महिलाएं अपनी जो डॉक्टरों से परामर्श करके जो दवाएं चल रही है आयरन की या जो भी विभिन्न, वो दवाई पूरी अच्छे से लेते रहें और चेकअप करवाते रहें, बाकी इससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है।